कोरोना वायरस को लेकर नोएडा में कुछ स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि स्कूलों को सैनिटाइज किया जा रहा है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नोएडा के सीएमओ अनुराग भार्गव मौजूद हैं। सर, क्या हुआ था जिसकी वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा? उस स्कूल के जो 5 बच्चे हैं वो एक कोरोना इन्फेक्टेड आदमी के कॉन्टैक्ट में आ गए थे, तो उससे थोड़ा हड़कंप मच गया था, तो इसलिए वहाँ पे स्कूल को पूरा सैनिटाइज करा लिया जा रहा है और उसमें फॉर्मलिन वेपर से उसको सैनिटाइज कराया जा रहा है। साथ में ही जो स्कूल के जित 5 बच्चे थे उनका सैंपलिंग करा ली गई है और सभी सैंपल्स नेगेटिव आ गए हैं, तो अब किसी भी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन सैनिटाइजेशन का काम एक बार शुरू हो गया है तो वो पूरा करा लिया जाएगा और उसके बाद ही उनको शुरू कराया जाएगा। जो दूसरा स्कूल है उसमें भी एक बच्चा उसके कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड आदमी के कांटेक्ट में आ गया था, तो इसलिए उसको भी सैनिटाइज कराया जा रहा है, तो दोनों स्कूलों की ये बात है। सर, तो कैसे श्योर एकदम हो सकते हैं कि बिल्कुल अब स्कूल जो है वो सैनिटाइज हो चुका है, अब घबराने की कोई बात नहीं है? देखिए, जो कोरोना वायरस है वो बहुत ही फ्रेजाइल वायरस होता है और 6 से 7 घंटे में 8 घंटे में वो अपने आप जहाँ खुली एरिया में होता है नष्ट हो जाता है, तो वायरस ऑलरेडी नष्ट हो चुका होगा लेकिन फिर भी एहतियातन सैनिटाइज कराया जा रहा है। सर, ये तो कुछ स्कूलों की बात हुई, लेकिन जो बाकी के स्कूल हैं वहाँ पे क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए स्कूलों को? हाँ, वहाँ पे दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि कैसे स्कूल की सफाई कराई जाए, कैसे फर्श का क्लीनिंग कराई जाए, कैसे टॉयलेट की क्लीनिंग कराई जाए, वो सारे दिशा निर्देश अभी जारी कर दिए गए। अच्छा, तो लक्षण क्या हो सकते हैं कि कोई भी अगर इन्फेक्टेड है तो किस तरह के लक्षण हैं जिस पे थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए? उसके लिए जो है खांसी, जुखाम, बुखार और सांस लेने में दिक्कत है, तो अब ये नॉर्मली सभी लोगों को इस समय मौसम ऐसा है कि उस समय हो रहे हैं, तो इसलिए अभी उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो किसी विदेश से आए हुए 12 कंट्रीज से आए हुए आदमी से और जिसको कोरोना इन्फेक्टेड है उससे कांटेक्ट में आए हों, तो उसी के लिए ये है। सर, ऐसा माना जाता है कि जो बच्चों की इम्यूनिटी है वो लो होती है, वो जल्दी ही किसी भी संक्रमण की चपेट में आने का उनको खतरा रहता है, तो खास तौर पे बच्चों को लेकर क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? देखिए, कोरोना के बारे में, वायरस के बारे में अभी उतना ज़्यादा जानते नहीं है सब लोग, लेकिन ये पक्का है कि बच्चों की इम्यूनिटी कोरोना के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है और उनमें मॉर्टेलिटी रेट लगभग नगण्य है और बच्चों को ये बहुत कम इन्फेक्ट भी करता है। अच्छा सर, तो अगर किसी को लगता है कि उसको कोई लक्षण, उसे लग रहा है कि उसमें कोई लक्षण है, तो वो क्या करे, उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले अगर ये सिम्टम्स आ गए हैं तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और दूसरी बात है हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वहाँ पे सारे टेस्टिंग फैसिलिटी है और आइसोलेशन वार्ड भी बना हुआ है, और दूसरा बच्चों के लिए सुपर स्पेशलिटी चाइल्ड हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले जा सकते हैं, बच्चे को दिखा सकते हैं, अगर टेस्टिंग की ज़रूरत होगी तो वहाँ टेस्टिंग कर ली जाएगी। अच्छा, तो अगर मामले बढ़ते हैं तो अस्पतालों में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? देखिए, अभी आप ये बगल की बिल्डिंग हमारी देख रहे हैं, ये इसमें 300-400 बेड डाले जा सकते हैं और आइसोलेशन वार्ड इसमें अभी बना दिया जाएगा तुरंत। अच्छा, मास्क और जो सैनिटाइजर है वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, उससे कितना, मतलब अगर मास्क और सैनिटाइजर यूज़ किया जाए तो कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए, अभी मास्क की यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में ऐसा कोई भी इन्फेक्टेड केस नहीं है, तो मास्क की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ सैनिटाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, कि हाथ साबुन से हाथ धोने से बहुत क्लीनिंग हो जाती है। बस आदमियों को, ये सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर वो नाक में, मुंह में और आँख में हाथ लगा रहे हैं तो हाथ धो के ही लगाएं। तो सर, मतलब कि मास्क इतना ज़रूरी नहीं है, अगर मास्क ना भी हो तो भी आप बच सकते हैं, और सैनिटाइज़र भी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सर, बस बेसिक चीज़ें आप बता दीजिए कि इन चीज़ों की अगर नहीं भी ज़रूरत है तो क्या बेसिक चीज़ें करें और कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। बेसिक ये क्लीनलीनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, हाथ के नाखून कटे होने चाहिए, मुंह में, आँख में और नाक में अगर ले जाते हैं तो हाथ बिल्कुल धो के रखें, और जिन लोगों को खांसी है, जुखाम है, बुखार है और सांस लेने में दिक्कत है उन लोगों से दूरी बना के रखें। अगर दूरी बना के रखते हैं तभी ये बचाव है, और कोरोना का अभी कोई इलाज नहीं है, केवल बचाव ही एक रास्ता है। अच्छा, तो सर ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी स्क्रीनिंग हो रही है सब एयरपोर्ट्स पे, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं वो एंटर कर जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में जो मामला सामने आया वो इटली से आए थे, वो संक्रमित थे, तेलंगाना में जो मामला सामने आया वो दुबई से आए थे, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है और कि जो लोग हैं जो एंटर कर जा रहे हैं उन्हें रोका जा सके? उसको जो लोग भी आ रहे हैं और जो लोग भी जा रहे हैं वो अगर कोई इमरजेंसी में आते जाते हैं तो उसी पे लोगों को करना चाहिए, और सारे लोगों को इसलिए रोका हुआ है,
और कोशिश है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई भी रूल्स किसी पे भी लगाए नहीं जा सकते हैं, और अभी कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी भी नहीं है कि इस तरह से कुछ मामला हो गया हो कि ये एकदम से लॉ लागू हो जाए। तो सर, जो विदेशों से लोग आ रहे हैं उनके लिए तो ट्रैवल एडवाइजरी है, लेकिन जो अंदरून देश के अंदर ही है उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए उन्हें? बेसिक बात यह है कि भीड़ में ना जाएं, भीड़ में किसी भी तरीके के लोग हो सकते हैं, और ट्रेन में अगर ट्रैवल करते हैं या किसी भी प्लेन में जाते हैं तब मास्क लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। अगर भीड़ में जाते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं। अच्छा, तो अगर जैसे अगर अभी किसी को नहीं पता है कि वो संक्रमित हो चुका है और वो कहीं भी चला जाता है, किसी भी जगह जाता है, वो कई लोगों के संपर्क में भी आता है, तो वहाँ पे क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या बचने की ज़रूरत है? देखिए, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं ख़ास तौर से, उनको ये चाहिए कि खुद ही डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर वो मास्क लगा के रखते हैं तो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन नहीं होगा, तो एक तरीका यही है, तो इसको काम करना पड़ेगा। सर, तो कई घबराहट का माहौल है, लोग पैनिक में भी हैं, क्योंकि कोरोना वायरस अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर बन चुका है, जगह जगह मौत के मामले आ रहे हैं, संक्रमण के मामले आ रहे हैं, तो सर क्या मैसेज देंगे आप लोगों को, इतने डरने की ज़रूरत भी है या नहीं, मतलब क्या मैसेज आप देंगे? अभी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी तरह का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि किसी भी गौतम बुद्ध नगर के नागरिक को अभी ये कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। जितने लोगों का शक था उनका भी नेगेटिव चला गया है, तो ज़्यादा कोई गंभीर बात तो है ही नहीं, और बेसिक बात जो है हाइजीन का ध्यान रखना है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से उनकी हाइजीन मेंटेन करेंगे। जी सर, कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं जिसमें अगर किसी को कुछ लगता है तो वो कॉल कर सकता है? दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, वो नंबर अभी आपको दे दूंगा मैं, वो आप। तो सर, क्या अगर कोई कॉल करता है तो उसे किस तरीके की मदद मिलेगी? सारी मदद मिलेगी, अगर एम्बुलेंस सही होगी तुरंत एम्बुलेंस मिलेगी, तरीका पूछना चाहता है बचाव का तो वो बताया जाएगा, और अगर उसको हॉस्पिटल जाना होगा तो हॉस्पिटल भी सारा पूरा मैनेज कर दिया जाएगा। जी, हमारे साथ थे नोएडा के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनुराग भार्गव, जिन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से अभी इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और जो है हाइजीन का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।